सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू गेमर रॉक्स टेक। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने कवर किया था रोग फोन 5 का बेस वेरिएंट, जिसमें दो कलर था एंड ये दो मॉडल में आते थे। एंड इस बार मैं कवर करने वाला हूँ रोग फोन 5 प्रो मॉडल को। एंड मैं आपको बताऊंगा कि ये बेस मॉडल से कितना अलग है, इसका प्राइस कितना है एंड आपको ये खरीदना चाहिए कि नहीं। तो अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है रोग फोन 5 का बेस वेरिएंट का, तो मैंने यहाँ पर आई बटन पर लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया था। तो इस वीडियो को मैं उतना बड़ा बनाना नहीं चाहता, क्योंकि ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, इसलिए मैंने इस वीडियो में उतना सारा डिटेल नहीं डाला है। जो इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं वो यहाँ से आई बटन से उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वो वाला वीडियो आप देख लीजिए, वरना इसमें आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं, बट उससे पहले मेरा इंट्रो एंड स्किप मत करना, बहुत मेहनत किया है, दोबारा देखो। तो चलिए सबसे पहला बात करते हैं रोग फोन 5 प्रो के प्रोसेसर के बारे में। तो एक चीज जो मुझे रोग फोन 5 का सीरीज में अच्छा लगा है वो ये है कि इसमें कोई भी कटाव नहीं किया गया है। जैसा कि कुछ फोन करते हैं, बेस मॉडल में थोड़ा कम पावर का प्रोसेसर दिया जाता है, मिड रेंज मॉडल में थोड़ा हाई पावर का, एंड आपको अगर सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको हाई रेंज में जाना पड़ता है। बट रोग फोन 5 के जितने भी मॉडल है, चाहे इसका बेस वेरियंट हो, प्रो मॉडल हो या अल्टीमेट मॉडल हो, आपको स्नैपड्रैगन 888 ही देखने मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है एटलीस्ट मेरे ख्याल से, क्योंकि जो बेस वाला मॉडल लेंगे उनको भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिल जाएगा एंड वो इसका परफॉर्मेंस रिग्रेट नहीं करेंगे। तो स्नैपड्रैगन 888 का जो CPU है वो लास्ट जनरेशन से अप टू 25% ज़्यादा फास्ट है, एंड इसका जो GPU है जो कि है एंड्रीनो 660 वो 35% ज़्यादा फास्ट है। एंड जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि इसमें जो 5G मॉडेम है वो बिल्ट इन आता है, तो इसमें स्पेस जो है बहुत ज़्यादा सेव हो चुका है, क्योंकि अलग से मॉडेम नहीं लगाना पड़ता, तो इसी की वजह से हमारा जो हेडफोन जैक है वो लौट आया है। सो कंग्रेचुलेशन अगेन। तो अब बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो आपको प्रो मॉडल में भी सैमसंग का E4 OLED कस्टम डिस्प्ले देखने मिलता है, एंड ये डिस्प्ले कस्टम मेड है रोग फोन 5 के लिए, जो आता है 20.4:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ, यानी ऑलमोस्ट सिनेमैटिक। एंड डिस्प्ले का साइज है 6.78 इंच, यानी ये अब तक का सबसे बड़ा डिस्प्ले है रोग फोन में। एंड इसका डिस्प्ले का जो रिफ्रेश रेट है वो बेस मॉडल की तरह ही है, जो कि है 144 हर्ट्स, एंड ये आता है 1 मिलीसेकंड के ग्रे टू ग्रे रिस्पांस टाइम के साथ। एंड ये सपोर्ट करता है ASRock 10+ विथ 800 nits ऑफ पीक ब्राइटनेस, एंड इसमें अपग्रेड किया गया इसका टच सैम्पलिंग रेट, जो कि रोग फोन 3 में था 240 एंड रोग फोन 5 में है 300। एंड इसके डिस्प्ले का जो टच लेटेंसी है वो है 24.3 मिलीसेकंड। एंड डिस्प्ले के प्रोटेक्शन के लिए इसमें दिया गया है गोरिल्ला ग्लास विक्टस, ये कॉर्निंग का बनाया हुआ अब तक का सबसे मजबूत जो है गोरिल्ला ग्लास है, एंड ये आपके फोन को बहुत ही अच्छा से प्रोटेक्ट करेगा। तो रोग फोन 5 का जो प्रो मॉडल है वो भी आता है 6000 mAh के बैटरी के साथ, तो इसमें बजाय एक 6000 mAh के बैटरी के 2-3000 mAh के बैटरी दिए गए हैं। इसका एडवांटेज ये है कि इसकी वजह से जो इसका वेपर चेंबर है वो बीच में आ गया है, एंड ये और भी ज़्यादा एफिशिएंटली प्रोसेसर को जो है वो कूल करता है, ताकि आप इसमें बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक गेम खेल सके। एंड इसके साथ जो एरो एक्टिव कूलर आता है, यानी एरो एक्टिव कूलर 5, तो जब आप इस कूलर को इस पर अटैच करेंगे ये डायरेक्टली वेपर चेंबर को ठंडा करने लगता है, एंड इसकी वजह से ये फ़ोन जो है और भी ज़्यादा कूल हो जाता है। एंड इसीलिए इसमें एक और फीचर दिया गया है जो कि है X Mode Plus, यानी जब ये फ़ोन डिटेक्ट कर लेता है कि इसमें एरो एक्टिव कूलर 5 लगा हुआ है, तो इसका जो सिस्टम है वो SoC को छूट दे देता है तुम प्रोसेसर को और ज़्यादा देर तक इसके पीक परफॉर्मेंस पे रख पाओ, एंड गेम जो है वो हमेशा इसके पीक परफॉर्मेंस पे ही रन करें। एंड इस बार रोग फोन 5 बहुत सारे बैटरी सेफ्टी फीचर के साथ आया है, जो कि आपके फ़ोन के बैटरी को एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग लाइफ देने में मदद करेगा, जैसे कि है ओवरनाइट चार्जिंग, चार्जिंग बाईपास फीचर एंड चार्जिंग लिमिटर। इन तीनों के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है मेरे प्रीवियस वीडियो, यानी रोग फोन 5 के बेस वेरिएंट वाले वीडियो में, आप उसे जाकर ज़रूर देखिए अगर आपको हर चीज़ के बारे में डिटेल में जानना है। एंड वो वीडियो इसीलिए बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, ताकि आपको A to Z इन्फॉर्मेशन रोग फोन के बारे में पता चले एंड इसके टेक्नोलॉजी के बारे में। एंड इसमें 2 USB Type-C पोर्ट देखने मिलते हैं, एक है बॉटम में एक है साइड में, ये सपोर्ट करता है अप टू 65 वॉट का फास्ट चार्जिंग। बट जैसा कि मैंने कहा था, इसमें जो डबल बैटरी दिया गया है ये इसका एक एडवांटेज भी है एंड इसका एक डिसएडवांटेज भी है। ये तो बैटरी इस फोन को एफिशिएंटली कूल होने में मदद तो करता है, बट बैटरी
दोनों साइड में आ जाने की वजह से इसका जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है वो घट जाता है। जैसे कि आप जेरी एवरीथिंग के वीडियो में देख सकते हैं ये फोन कितनी आसानी से बेंड हो चुका है एंड टूट चुका है। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक नीचे दे दिया है, आप वहां से जाके इसे देख सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इससे पहले का जो ROG Phone 3 था या फिर ROG Phone 2 था वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता था एंड रिजिड होता था, बट इस बार ROG Phone 5 जो है इसका स्ट्रक्चर जो है वो उतना ज्यादा मजबूत नहीं है। एंड अगर आप इसे अपने बैक पॉकेट पर रखेंगे तो ये फोन बहुत ही आसानी से टूट जाएगा। तो अगर आप ROG Phone 5 लेने वाले हैं तो मैं आपको जरूर बोलूंगा कि आप इसे कभी भी अपने बैक पॉकेट पर ना रखें, जितना हो सके इसको केयर के साथ रखिए, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल है एंड इसका डिस्प्ले थोड़ा सा बेंड होने के बाद ही बंद हो जाता है, जबकि इसका बाहर का जो गोरिल्ला ग्लास विक्टस है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तो आप देख सकते हैं कि गोरिल्ला ग्लास विक्टस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट इस प्रोटेक्शन के बावजूद अगर आप अंदर का डिस्प्ले जो है खराब हो जाता है तो इसका होने का कोई फायदा नहीं है। तो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ इस फोन में बहुत ही ज्यादा बड़ा डिसएडवांटेज है एंड इसे हमेशा माइंड में रखिएगा फोन खरीदने से पहले। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है। इसी के साथ साथ आप अपने व्हाट्सएप एंड फेसबुक में मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि मैं हमेशा देखता आप मेरे वीडियो को देखते हो पर लाइक या सब्सक्राइब नहीं करते, फूट लेते हो। ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा के। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके एड टिगर के बारे में। एंड एड ट्रिगर के मामले में आपको बेस वेरिएंट एंड प्रो एंड अल्टीमेट वेरिएंट में थोड़ा डिफरेंस देखने मिलेगा, क्योंकि जहां पे आपको बेस मॉडल में दो एड ट्रिगर मिलते हैं जो कि ड्यूअल पार्टीशन के साथ आते हैं, आपको ROG Phone 5 के प्रो मॉडल में 4 एड ट्रिगर मिलते हैं, दो ऊपर विद ड्यूअल पार्टीशन एंड उसके बाद दो नीचे, यानी टोटल आपको 4 एड ट्रिगर देखने मिल जाते हैं। एंड अगर आप ड्यूअल पार्टीशन को ऑन रखें एंड उसके साथ एरो एक्टिव कूलर को लगा दें जिसमें कि ऑलरेडी पीछे दो एक्स्ट्रा एड ट्रिगर दिए हुए हैं, तो यहां पे टोटल आपको 6 एड ट्रिगर मिल जाएंगे ROG Phone Pro मॉडल में। इसके साथ साथ जो बेस वाले वेरिएंट में जितने भी मोशन ट्रिगर थे यानी गेस्चर कंट्रोल थे वो सब आपको इसमें भी दिए जाते हैं। तो कुल मिला के अगर आपको याद रहे कि आपने क्या किसके लिए सेट किया है तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग परफॉर्मेंस दे देगा। एंड इसमें गेम कंसोल के जैसा फीलिंग देने के लिए दिया गया है दो हैप्टिक मोटर्स जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वाइब्रेट करते हैं एंड इसका वाइब्रेशन लेवल आप जो अपने कंसोल है उससे कंपेयर कर सकते हैं। एंड इसी के साथ इसमें एक नया फीचर ऐड किया गया है जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, जो कि है हैप्टिक ऑडियो, यानी आप गेम में जब भी गन शूट करेंगे तो गन शूट के टाइम पे ये फोन वाइब्रेट करेगा एंड आपको फील होगा कि आप गन चला रहे हैं। तो ये राइट नाउ दो ही गेम में सपोर्ट करता है, एक है PUBG मोबाइल एंड दूसरा है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, एंड हो सकता है फ्यूचर में और भी गेम में इसका सपोर्ट हमें देखने मिले। तो ROG Phone 5 के प्रो मॉडल में आपको और एक एडवांटेज देखने मिलता है, क्योंकि इसके पीछे जो है आपको एक एक्स्ट्रा OLED डिस्प्ले देखने मिल जाता है बजाय RGB लाइटिंग के। तो इसका जो बेस वेरिएंट है वो आता है ड्यूअल टोन RGB के साथ, बट इसका जो प्रो मॉडल है वो आता है AMOLED डिस्प्ले के साथ। इसमें बाय डिफॉल्ट कुछ एनिमेशन दिए गए हैं बट आप इसे कस्टमाइज करके अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं एंड अपना खुद का एनिमेशन बना सकते हैं, जो कि बहुत कूल लगता है देखने में एंड बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग फीचर है गेमिंग फोन के लिए। एंड स्पीकर को भी इस बार ROG Phone 3 से बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया जा चुका है। इसमें आपको 7 मैग्नेट का स्पीकर मिलता है ROG Phone 3 के जैसा ही विद डायरेक्ट ऑडियो, बट इसमें जो है इस बार बेस को और भी ज़्यादा एनहेंस किया गया है, यानी ये और भी ज़्यादा लाउड है, पिप्स से क्लियर है एंड बेस जो है वो और भी ज़्यादा एनहेंस्ड है। एंड जैसे कि मैंने मेंशन किया था इसमें आता है 3.5mm का हेडफोन जैक, यस ROG Phone 3 में इसे हटा दिया गया था एंड ROG Phone 5 में ये वापस आ चुका है। तो ये डैक क्वाड एम्पलीफायर के साथ आता है जो आपके बड़े वाले हेडफोन को भी बहुत अच्छे से पावर दे सके, यानी आपको अपने बड़े हेडफोन में भी बूमी साउंड मिलने वाला है। एंड ROG Phone 5 Pro में आपको मिलता है 512GB का UFS 3.1 स्टोरेज एंड 16GB का रैम, जो कि लैपटॉप या डेस्कटॉप ग्रेड का रैम है, क्योंकि इतना रैम आपको ज़्यादातर होम कंप्यूटर्स में भी नहीं देखने मिलेंगे। तो आपको गेमिंग के लिए या किसी भी और चीज़ के लिए इसमें रैम की कमी कभी होने नहीं वाली है एंड 512GB का जो स्टोरेज है वो कम नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लैपटॉप भी इसी स्टोरेज के साथ आते हैं, तो आप इसे एक मोबाइल लैपटॉप कंसीडर कर सकते हैं। एंड ये सपोर्ट करता है डुअल नैनो सिम कार्ड एंड इसमें कोई भी एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन नहीं है। एंड नॉइस कैंसिलिंग के लिए इसमें दिया गया है 4 माइक्रोफोन
एंड ये फोन राइट नाउ सिर्फ ब्लैक में अवेलेबल है, इसका कोई भी दूसरा कलर अवेलेबल नहीं है। जैसे कि ROG Phone 5 का बेस मॉडल व्हाइट में भी अवेलेबल है एंड दो स्टोरेज के साथ आता है एंड दो मेमोरी कैपेसिटी में। बट ये जो फ़ोन है ये सिर्फ अभी 16GB रैम के साथ ही अवेलेबल है विद ब्लैक कलर विद 512GB स्टोरेज। हो सकता है इसूस बाद में इसका कोई वाइट या सिल्वर मॉडल लॉन्च करे, बट अभी सिर्फ यही अवेलेबल है। तो चलिए कंपेयर करके देख लेते हैं कि ROG Phone 5 का जो बेस वेरिएंट है जो प्रो वेरिएंट में इसमें क्या डिफरेंस है। तो इसमें प्रोसेसर जो है आपको सेम ही मिलता है स्नैपड्रैगन 888 एंड GPU भी आपको एंड्रीनो 660 देखने मिलता है एंड इसमें भी आपको 5G बिल्ट इन मिलेगा एंड इसमें भी सैमसंग का E4 OLED डिस्प्ले यूज हुआ है जो कि 144Hz का है एंड 1 मिलीसेकंड ग्रे टू ग्रे रिस्पांस टाइम के साथ आता है विद 300Hz ऑफ टच सैम्पलिंग। बेस मॉडल एंड प्रो मॉडल दोनों ही 65W के फास्ट चार्जिंग के साथ आते हैं एंड दोनों में आपको 2-3 हज़ार mAh के बैटरी देखने मिलता है। एंड कैमरा में इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है इसलिए मैंने कैमरा को कवर नहीं किया है क्योंकि इसका कैमरा ऑलमोस्ट ROG Phone जो 3 है उसका कैमरा जैसा ही है। ये गेमिंग फ़ोन है इसीलिए कंपनी में कैमरा में उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। तो इसमें जो एयर ट्रिगर है वो बेस मॉडल में 2 दिए जाते हैं एंड प्रो मॉडल में 4 दिए जाते हैं। ये इनका एक डिफरेंस है बेस मॉडल एंड प्रो मॉडल में। एंड इस फ़ोन में जो बेस मॉडल है उसमें बैक में ड्यूल टोन LED दिए जाते हैं RGB लाइटिंग के लिए एंड जो प्रो मॉडल है उसमें एक पूरा का पूरा AMOLED डिस्प्ले दे दिया जाता है। एंड इसका बेस मॉडल अभी दो वेरिएंट में अवेलेबल है। फर्स्ट है विद 8GB रैम विद 128GB ऑफ UFS 3.1 स्टोरेज एंड दूसरा जो वेरिएंट है वो है 12GB रैम विद 265GB ऑफ UFS 3.1 स्टोरेज। इसका जो बेस वेरिएंट है वो आता है दो कलर में, एक है व्हाइट एंड दूसरा है ब्लैक। इसका जो प्रो मॉडल है उसके लिए अभी सिर्फ ब्लैक मॉडल ही अवेलेबल है, हो सकता है इसको बाद में लॉन्च करें। एंड ROG Phone 5 के बेस मॉडल का जो लोअर वर्जन है वो आता है ऑलमोस्ट 50,000 में एंड इसका हायर वर्जन आता है ऑलमोस्ट 58,000 रुपीज़ में एंड ROG Phone 5 प्रो आता है 69,999 रुपीज़ में यानी 70,000। इसमें भी एक रुपया छोड़ दिया है मंदिर में देने के लिए। हनुमान जी सारे चिल्लर का क्या करेंगे। तो यही कुछ गिने चुने डिफरेंसेस है जो आपको ROG Phone 5 के बेस मॉडल एंड प्रो मॉडल के बीच में देखने मिलता है। तो आई होप मैंने आपका जो डाउट था वो क्लियर कर दिया है इसके बेस मॉडल एंड प्रो मॉडल के बीच में। एंड मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप मेरा पुराना वाला जो बेस मॉडल का वेरिएंट उसे देख लीजिए क्योंकि उसमें मैंने हर टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कैसे ये काम करता है एंड कैसे ये आपको गेमिंग परफॉर्मेंस को एनहांस करता है। तो इस वीडियो को मैं उतना बड़ा बनाना नहीं चाहता क्योंकि ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है इसलिए मैंने इस वीडियो में उतना सारा डिटेल नहीं डाला है। जो इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं वो यहाँ से आई बटन से उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। एंड इसका थर्ड वीडियो एक आने वाला है जो कि है ROG Phone 5 अल्टीमेट वर्जन के ऊपर एंड इसमें मैं बताऊंगा कि ROG Phone 5 का जो अल्टीमेट वेरिएंट है एंड प्रो वेरिएंट है उसमें क्या डिफरेंस है। एंड इसका एक फाइनल वीडियो आएगा जिसमें मैं तीनों को कंपेयर करूंगा एंड रिकमेंड करूंगा कि आपको कौन सा वाला लेना चाहिए एंड इसके प्रोस एंड कॉन्स के बारे में बात करूंगा। तो अगर आप इस फ़ोन को परचेस करने वाले हैं तो प्लीज़ आप मेरे नीचे दिए हुए लिंक से इसे परचेस कीजिए, इससे आपका प्राइस तो नहीं बढ़ेगा बट इससे मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। एंड आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा एंड अगर ऐसा है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए व्हाट्सएप फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे एंड उसी के साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी नहीं किया है तो, क्योंकि मेरा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है क्योंकि मेरे चैनल पे अभी भी 1,000 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं। तो प्लीज़ अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मुझे अभी आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।